दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस खो गया है, आप पास हो चुके हैं, तो आप उस लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कैसे करते हैं अपने मोबाइल फोन से, अथवा आप अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं। वीडियो में मैं ये भी आपको बता देता हूं, आपका लर्निंग लाइसेंस फुल स्टेटस या फिर नहीं फुल स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है परिवहन। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पे परिवहन सर्च कर लेंगे, उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी उस पर आपको क्लिक कर लेना है परिवहन.gov पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विस का। इस पे आने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने एप्लीकेशन स्टेटस के पेज पे आ जाना है। दोस्तों सबसे पहले अपने स्टेटस के पेज पे आ जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ लाइव कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अभी तक अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर आपके फ़ोन पे जब ऑनलाइन करवा रहेंगे तभी मैसेज में आपको गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसा सेम कैप्चा दिख रहा है वैसे सेम कैप्चा को टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो चुका है, जो कि उसके बाद आपको अपना पास हुए हैं या नहीं आपको सबसे नीचे यहाँ पे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पास हो चुके हैं, जो कि उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना स्टेटस देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 28 तारीख को जो कि स्कूटनी एंड अपलोड डॉक्यूमेंट सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका था। उसके बाद अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग दिखाई दे रहा है, अभी प्रिंटिंग नहीं हुआ है। इसके मतलब अभी तक अप्रूवल हमारा नहीं हुआ है। अगर दोस्तों अप्रूवल हो जाता तो यहीं पे ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाता फोटो के ऊपर लर्नर लाइसेंस नंबर, यहाँ पे आपका शो करने लगता। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लर्निंग लाइसेंस अभी तक नहीं आया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। मैं दूसरे का दिखा देता हूँ जिसका यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। मैं दूसरा के आपको यहाँ पे शो करते के दिखा देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाइएगा। एप्लीकेशन स्टेटस पे आने के बाद यहाँ पे आप अगला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नंबर टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी टाइप कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसा सेम आपका कैप्चा दिख रहा है वैसे ही सेम कैप्चा को टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अपने कैप्चा को टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जो कि फोटो के ऊपर आपका लर्नर लाइसेंस नंबर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने लर्निंग लाइसेंस को लर्नर लाइसेंस से या फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी प्रिंट आउट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही होम पेज पर आ जाना है अपने स्टेट के, जो कि परिवहन के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे, पांचवा छठवा ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3, जो कि फॉर्म 3 को ही हम अपना लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है फॉर्म 3 के। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, और सिर्फ लर्निंग लाइसेंस नंबर से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर से भी और डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टाइप करके भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम अपने लर्निंग लाइसेंस से ही प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, जो कि मेरा लर्निंग लाइसेंस आ चुका है। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, जो कि लिख लेना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लास्ट 4 अंक का मोबाइल नंबर दिखेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसी पे OTP जाएगा, जो कि 6 अंक का होगा। OTP भेजने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन में OTP आ चुका है, तो मैं इस OTP को टाइप कर लेता हूँ। OTP को टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ सक्सेसफुल थे, आपका सक्सेसफुल लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो चुका है। आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन में सेव करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे टोटल फीस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस आपको नंबर दिखाई देता होगा। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आ जाएगा लीसू, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैलिड, जो कि 16/2/2022 से
15/8/2022 तक है। इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पे 16/3/2022 को एक महीने बाद फाइनल के लिए परमानेंट अप्लाई कर सकते हैं।